हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपको गूगल प्ले स्टोर से रिफ़ंड कैसे लेना है। और जो लोग अभी तक आरपी नहीं ले पाए, रॉयल पास नहीं ले पाए, चाहे वो ग्लोबल वर्जन पे हो या इंडियन वर्जन पे हो, तो आप सबके लिए एक अच्छी न्यूज़ है मेरे पास। आप इस ट्रिक का यूज़ करके फ्री में रॉयल पास ले सकते हो, मगर ध्यान रहे कि इस ट्रिक को आपको ओवर यूज़ नहीं करना, क्योंकि ये ट्रिक एक जीमेल आईडी पे ज़्यादा से ज़्यादा 4 बार वर्क करती है और उसके बाद अगर आप ट्राई करोगे तो आपको रिफ़ंड नहीं मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप ये ट्राई करो कि एक जीमेल से आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार ही करो इस ट्रिक का प्रयोग, वरना चांसेस हैं कि अगर गूगल प्ले स्टोर को या पबजी को इस बात की भनक हो जाती है कि कोई तो लूट मचा रहा है या फिर वो चेक इन कर लेते हैं, तो आपको जो भी बेनिफिट मिले हैं इस ट्रिक के थ्रू वो सब वापस रिवर्स हो सकते हैं। और अगर रिवर्स हो गए तो आपका घाटे का सौदा होगा, क्योंकि सीज़न 6 में जब ग्लोबल वर्जन पे था तब एक बग निकला था जिससे बहुत सारे लोगों को 7000 यूसी फ्री में मिल रहे थे अनलिमिटेड टाइम्स। तो जिन लोगों ने भी वो ट्रिक यूज़ की थी, जैसे पबजी मोबाइल को पता चला था, उन्होंने सारे जो भी बेनिफिट मिले थे उनको वो सारे रिवर्स कर दिए थे। उसके अलावा जो लोग पैसे लगा के रॉयल पास लिए थे पहले लूटने से पहले, तो उनका रॉयल पास भी वापस ले लिया था, रॉयल पास से जो बेनिफिट मिले थे सारे वापस ले लिए थे। उसके बाद उनको मतलब कंपनसेशन के नाम पे 2 कपड़ा दे दिए थे मेल में और छोड़ दिए थे। तो ऐसा ना हो कि आपके भी सारे बेनिफिट ले लें, रॉयल पास ले लें ऑलरेडी अगर आपके पास है तो आप ध्यान से इस ट्रिक को यूज़ करें और मेक श्योर करें कि ये ट्रिक गलत हाथों में ना लगे। गलत हाथों में इन द सेंस प्ले स्टोर या BGMI वालों को पता ना चले इस बारे में, क्योंकि पता चला तो आपका टाटा बाय बाय हो जाएगा। कि मैं तो सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ इस वीडियो से, क्योंकि पर्सनली मेरा कोई यूज़ नहीं है इससे। अगर मतलब अगर मैं आपको अपना गूगल प्ले दिखाऊं तो उसमें दिखेगा कि वहां पे चार्ज लिखा होगा, मतलब पैसे कटे हैं मेरे अकाउंट से, रिफ़ंड नहीं लिए, और जिन्होंने रिफ़ंड लिया वहां चार्ज की जगह रिफंडेड लिखा आता। ठीक है, तो चलो मैं बिना किसी बकचोदी के ट्रिक पे शुरू होता हूँ। बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया खोल लेते हैं पहले। चलो जब तक ये खुलता है ये बता देता हूँ, मैं Season 2 से खेल रहा हूँ वैसे तो, और रॉयल पास शायद मैंने Season 5 या 6 में लिया था, क्योंकि तब तो वैसे तो सबको पता ही है कि पबजी हर सीज़न में लाइक आपको दे देता है रिफ़ंड, दे देता है रिफ़ंड इन द सेंस जितने भी यूसी आप स्पेंड करते हो वो आपको सारे रॉयल पास में मिल जाते हैं Season 2 से ही। ये चीज़ तो कुछ नया नहीं है बताने के लिए, पर जो लोग नहीं जानते उनको बता देता हूँ। आप रॉयल पास लेते हो 300 वाला, इसमें आपको एक तो 60 रुपये डिस्काउंट का वोचर मिलता है, मतलब 60 UC डिस्काउंट, सॉरी रुपये नहीं, UC का डिस्काउंट वोचर मिलता है जो आपको हर सीज़न मिलता है। और हर सीज़न आप 360 का रॉयल पास लेते हो 300 रुपये में डिस्काउंट के बाद, तो फिर भी आपको 360 UC मिलती है हर सीज़न में, और वो 360 आप जमा कर सकते हो। जो 60 एक्स्ट्रा हैं वो जमा करते जाओगे तो आपके पास बड़े रकम हो जाएगी एक टाइम के बाद, क्योंकि बूंद बूंद से सागर बनता है। वैसे ही जो लोग अगर जैसे कि मान लो अभी ये एक्स सूट का चल रहा होगा शायद इवेंट, हाँ ये रहा देखो जैसे ये चल रहा है, बहुत लोग चाहते हैं कि हम भी मतलब एक्स सूट लें, लॉबी में उतरें, थोड़ा वो क्या कहते हैं फ्लैक्सबाजी करें, तो अगर चाहते हो तो आप सेव कर सकते हो यूसी, वो जो एक्स्ट्रा यूसी है वो सेव करके आप आराम से यूज़ कर सकते हो। पर जल्दबाजी में यूसी बिल्कुल खर्च मत करना, जैसे आप इसमें जाते हो समझो चलो क्रेट ओपनिंग में, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ जैसे, तो मुझे यहाँ साफ लिखा गया है कि 19 UC डिडक्ट होगी अगर मैं खोलता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी ना कूपन है ना AG है। तो आप क्रेट ओपनिंग में भी ध्यान से डबल चेक करके खोलना, ताकि आपके यूसी खर्च ना हो जाए गलती से भी। और यहाँ पर आप जाओ जैसे नॉर्मल परचेस करते हो 75, 380 और 750 का 3 पैक है इसमें, और तीनों पे रिफ़ंड अवेलेबल है। 1000 से ऊपर ये देते हैं कि नहीं देते मुझे आइडिया नहीं है,
750 तक है करके मैंने सुना है, तो ये तीन आप ट्राई कर सकते हो। तो इस तीन में से आप कुछ भी परचेज कर लो। जैसे आपको रॉयल पास चाहिए तो आप ये 380 वाला लोगे, आपके लिए सफिशियंट है। 750 वाला अगर आप लेना चाहो, नहीं लेना चाहो आपकी मर्जी, 380 वाला लेना चाहो तो जैसे नॉर्मल परचेस करते हो वैसे आप यहाँ से परचेस कर लो। रिफंड की टाइमलाइंस हैं, गूगल प्ले बैलेंस में आता है 1 दिन में आता है, अप्रूव होने के बाद 24 घंटे में आता है, यूपीआई में अप्रूव होने के बाद 24 घंटे में आता है, और यूपीआई के अलावा कार्ड या किसी भी तरह से पेमेंट करते हो आप तो 1 हफ्ता मैक्सिमम लगेगा। सैटरडे संडे बैंक हॉलीडेज हैं तो उसको हटा के 5 ही दिन लगते हैं, मतलब 4 to 5 business days लगते हैं। सैटरडे संडे मिला के वैसे भी आपका 1 हफ्ता निकल जाएगा आराम से, तब जाके आपको रिफंड मिलेगा आपके अकाउंट में। तो आप जिस भी पेमेंट मेथड से पेमेंट करते हो उसी पेमेंट मेथड पे रिफंड वापस जाएगा। तो मेरा सजेशन यही है कि आप लोग यूपीआई पेमेंट चूज करो, क्योंकि यूपीआई सबसे बेस्ट है। रिफंड अप्रूव होने के 24 घंटे के बाद आपको वापस अपने बैंक अकाउंट में पैसे मिल जाते हैं, क्योंकि यूपीआई क्यों बोल रहा हूँ तो यूपीआई में आपके पैसे आपके अकाउंट में आ जाते हैं वापस। गूगल प्ले बैलेंस में ये दिक्कत रहती है कि आपके गूगल प्ले बैलेंस में ही पैसे फंस जाएंगे और वो आप बाहर भी नहीं निकाल सकते, आपको परचेस करके यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो परचेस कर लीजिए, परचेस करके 10-15 मिनट इधर उधर थोड़ा घूम लीजिएगा गेम में, क्योंकि 10-15 मिनट तक वो गूगल प्ले में शो नहीं होता है कि आपने रिसेंट परचेस करी है। तो अभी मैं आपको गूगल प्ले स्टोर पे ले जाता हूँ, कि मेरा बहुत पुराना परचेस है, मैं मार्च में खरीदा था यूसी, क्योंकि मैंने गलती से उड़ा दिए थे गेम में, तो मुझे वापस खरीदने पड़े थे 380 दे के, तब ये ट्रिक मुझे नहीं पता था, अभी पता। तो आप जाइए हेल्प एंड फीडबैक में, यहाँ पे रिक्वेस्ट रिफंड ऑन गूगल प्ले है, यहाँ जाइए कंटिन्यू दीजिए, यस दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि इस ईमेल से खर्च हुए हैं कि नहीं हुए, तो आप यस दबा देते हैं। इसमें इस दबाने के बाद आपके सारे रीसेंट परचेस यहाँ पे आ जाते हैं, जैसे मोर डिटेल में देखो, इसका स्टेटस कैंसिल है, इसका चार्ज्ड है, मतलब मैंने पैसे दिए हैं 380 पूरे, और अगर आप रिफंड लेते हो तो ये चार्ज का स्टेटस हट के रिफंडेड लिखा आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना, मतलब जो आपका रीसेंट परचेस है क्लिक करो नेक्स्ट, और ये मेन जगह है, यहाँ पे जो रॉयल पास लेने वाले हैं वो फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, आई परचेस दिस बाय एक्सीडेंट, मतलब आपने गलती से परचेस कर लिया, आई नो लॉन्गर वॉन्ट दिस परचेस, मतलब मुझे अब ज़रूरत ही नहीं है इस परचेस की, ये मैंने परचेस किया पर मुझे मिला ही नहीं है, तो ये तीसरा ऑप्शन है, परचेस ढंग का नहीं है या वैसा नहीं है जैसा मुझे दिखाया गया था एडवर्टाइजमेंट में, चौथा, पांचवा, अगर कोई आपका रिश्तेदार, वैसे आपको तो पता ही है रिश्तेदारों के बच्चे बड़े वो होते हैं तो घर पे आते हैं तो सबका फ़ोन लेते ही रहते हैं, इसका फ़ोन ले लिया, उसका फ़ोन ले लिया, मतलब इनके कीड़े रहते हैं इनके वहाँ, तो गलती से वो परचेस कर देते हैं, कोई फैमिली मेंबर कर देता है आपकी नॉलेज के बिना, तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लो, आई डोंट रिकोगनाइज, मतलब अगर लास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हो आई डोंट रिकोगनाइज दिस परचेस, मतलब आपको पता ही नहीं है किसने क्या किया लेकिन आपके अकाउंट से पैसे गए हैं, ये लास्ट ऑप्शन है, बट ये सब इग्नोर मारो, पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करो। मैं बस आपको बता रहा था, अगर मतलब इसके अलावा किसी का पैसा फंसा हो जिसको रिफंड की ज़रूरत है उनके लिए सारे ऑप्शन मैंने एक्सप्लेन किए हैं, पर जो बग का फ़ायदा उठाने वाला वो पहले वाला क्लिक करो, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे रीज़न पूछेगा आपको कि क्यों आपका इशू क्या है, तो आप यहाँ पे लिख दो कि मैंने गलती से परचेस कर लिया था और ये आई परचेस दिस पे एक्सीडेंट, जो ऊपर लिखा वही नीचे लिख दो, कोई ज़रूरत नहीं बड़े एक्सप्लेनेशन की, क्योंकि उनको लग सकता है कि ये फेक है, ये साला इतनी ओवर एक्टिंग कर रहा है, 50 रुपये काट के दो तो आपके 380 की जगह 330 रुपये मिलेंगे अकाउंट में। तो आप यहाँ पे आई परचेस दिस पर एक्सीडेंट क्लिक कर दीजिए और रिक्वेस्ट रिफंड दबा दीजिए, जैसे आप रिक्वेस्ट रिफंड दबाते हैं आपको जीमेल आ जाएगा तुरंत कि आपकी रिफंड रिक्वेस्ट हमको मिल चुकी है, हमारे एग्जीक्यूटिव 24 घंटे या 72 आवर्स लिखा होता है शायद, तो 24 से 72 आवर्स, मुझे नहीं पता क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है, बट हाँ 1 से 3 दिन लगता है, आइडिया नहीं है इन द सेंस मुझे मेल नहीं आया ऐसा, बट जिन्होंने किया है उनसे मैं पूछ रखा हूँ, पूरा डिटेल लिया हूँ, तो 1 से 3 दिन में उनकी तरफ से आपको रिस्पॉन्स आ जाएगा कि आपका रिफंड अप्रूव हुआ है या रिजेक्ट हुआ है, वो भी आपको मेल कम्युनिकेशन में आएगा, क्लियर लिखा होगा कि आपके रिफंड रिक्वेस्ट अप्रूव हुई है या रिजेक्ट हुई है, तो
तो अगर आपकी अप्रूव हुई है, यूपीआई पेमेंट है, तो 24 घंटे वेट करो, 24 घंटे में आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। अगर नहीं आए तो 2 दिन वेट कर लो मैक्सिमम, उसके अंदर आ जाते हैं यूपीआई में। और गूगल प्ले बैलेंस से करते हो तो आप 1 दिन वेट करो, 1 दिन में पक्का आ जाएगा। क्रेडिट डेबिट कार्ड है तो 1 हफ्ता तो आपका पक्का कट जाएगा समझो, उसके बाद ही आपको मिलेंगे पैसे। तो ये टाइम लाइन्स है, और आपने जिसमें से भी पे किया ये रिफंड उसी में जाएगा। मेरा मेन चैनल, मतलब एक्चुअली मेरा चैनल तो S Fault 9 के बेसिस पे, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से खेल रहा हूँ, जब से मतलब पबजी ग्लोबल वर्जन बैन हुआ था तब मैंने स्टार्ट किया था एक्चुअली। अभी फिर जब BGMI आ गया वापस तो मैंने कम कर दिया S Fault 9 खेलना, बट अभी भी खेलता हूँ। तो जो लोग पबजी के लव S Fault 9 भी खेलते हैं वो लोग मुझसे टिप्स, मतलब उनको टिप्स चाहिए या वीडियोस चाहिए किसी भी पर्टिकुलर चीज़ पे, तो वो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर कमेंट सेक्शन में लिख के डाल सकते हैं कि मुझे इस पर्टिकुलर चीज़ का वीडियो चाहिए, आप बना दो। क्योंकि मैं एट प्रेजेंट में 16 लेवल है मेरा, टोटल 18 लेवल है, इसमें 16 लेवल पे हूँ। 75 कार्स है, मतलब मिनिमम कार्स हैं, इतने नहीं है, मतलब जिनको मैं जानता हूँ उनके पास 128 कुछ होगी, मतलब मुझसे कुछ 50 कार ज़्यादा है, क्योंकि वो हर सीज़न लेजेंड पास खरीदते हैं और मैं नहीं खरीदता, क्योंकि लेजेंड पास की प्राइस 900 रुपये है, ये पबजी से महंगा। और उसके अलावा इसमें लेजेंड पास का ऐसा पबजी वैसा वैसा सीन नहीं है कि इसमें आपको वापस 900 रुपये का मिल जाता है पास के अंदर, आपको हर सीज़न 900 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। और मेरे चैनल इतना भी आगे नहीं गया है कि मैं मतलब वीडियो बनाने के लिए गेम में इन्वेस्ट कर सकूं, मतलब मुझे अभी भी 500 सब्सक्राइबर और कुछ घंटे की व्यूज़ चाहिए अपने चैनल पे, ताकि मैं मोनेटाइज कर सकूं और चैनल से पैसे कमा सकूं। और आई प्रॉमिस कि जिस दिन चैनल से मेरी रेवेन्यू आने लगी तो मैं पक्का ये सीज़न पास सब खरीदूँगा और उस कार से भी वीडियोस बनाऊंगा जो सिर्फ सीज़न पास से ही मिलेगी, या फिर पर्टिकुलर सीज़न का एक्सप्लेनेशन से लेके हर चीज़, मतलब कार का डिस्क्रिप्शन, किस में कौन सी कार अच्छी है, नई कार बेटर है या पुरानी वाली बेटर है, सब कुछ मैं एक्सप्लेन करके आपको सेपरेट सेपरेट वीडियोस बना दूंगा। उसके अलावा मैं पबजी रॉयल पास गिव अवे भी रखूँगा, उसके अलावा S Fault 9 का सीज़न पास गिव अवे भी रखूँगा, पर उसके लिए पहले मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा, उसके बाद मैं आप लोगों को भी आगे बढ़ाऊँगा, क्योंकि जो लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा तो रिटर्न बनता है मेरी तरफ से, क्योंकि मैं जॉब से कमा रहा हूँ, मतलब मेरी लाइफ चल रही है, मतलब नॉर्मल लाइक कमा रहा हूँ, सेटल हूँ, ओके कूट मेरा बढ़िया जा रहा है, तो गेम से जो भी रेवेन्यू आएगी मैं गेम में इन्वेस्ट करूँगा और अपने सब्सक्राइबर पे इन्वेस्ट करूँगा, क्योंकि मेरी लाइफ को, मतलब मेरे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको पूरा करने मेरी जॉब की रेवेन्यू काफ़ी है मेरे लिए। तो ये हो गया मेरा S Fault का थोड़ा ये बता दिया, और ये अरे सॉरी ये तो प्ले स्टोर है, सॉरी ये मेरा यूट्यूब चैनल है, मतलब ऑब्वियसली आप लोग वीडियो देख रहे हो तो आपको ऊपर दिख ही जाएगा, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ ये मेरा चैनल है जो मैंने 0 से स्टार्ट किया था। अभी 465 सब्सक्राइबर इसलिए हुई हैं क्योंकि लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा लगा, वो चाहते हैं कि मैं उनको वीडियोस बना के दूँ, उनको टिप्स दूँ, ट्रिक्स दूँ हर चीज़ की। और मैक्सिमम अगर आप इस चैनल पे देखोगे प्लेलिस्ट में तो सारे S Fault के ही वीडियोस हैं मेरे में, ये एक्चुअली मैं राजस्थान गया था तब की वीडियो है, उसके अलावा जितने भी हैं सारे S Fault वीडियोस हैं, क्योंकि इन्हीं की मुझको डिमांड मिली। तो सॉरी हाँ, तो जिस भी वीडियोस की डिमांड थी या ये वीकली मिशंस हैं जो बहुत लोग कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, कुछ लोगों को नहीं होता, मतलब टाइम लिमिटेड होती है, टाइम वेस्ट होती है, तो सारी हेल्प मैं इधर करता हूँ। तो लोगों को पसंद आई इसलिए उन्होंने सब्सक्राइब किया, वो सपोर्ट करते हैं और मैं उनको रिटर्न देता हूँ बेटर वीडियोस से, बेटर तरीकों से कि कैसे पर्टिकुलर चीज़ को अकम्प्लिश किया जा सकता है गेम में, सॉरी गेम में, सिर्फ गेम में। तो अगर आपकी BGMI से लेके भी कुछ सजेशन है तो आप कमेंट में डाल दो,
तो BGMI पे भी मैं ट्राई करूँगा कि आपको वीडियो बना सकूँ, क्योंकि अगर मैं बता दूँ, साफ बता दूँ, तो मैं बिल्कुल भी प्रो नहीं हूँ। पहले आईफोन में खेलता था, तब थोड़ी स्मूथ गेमिंग थी, बहुत प्यारी थी एक्चुअली। पर पबजी की एक दिक्कत यह है कि हर अपडेट के बाद ना, हाँ, फ़ोन की रैम कम पड़ने लग जाती है इस पर्टिकुलर गेम के लिए। क्योंकि मैं जो पहले खेलता था वो iPhone 7 Plus था, उसमें Season 6 के बाद मेरा गेम क्रैश होने लग जाता था, तो मुझे आईफोन में खेलना छोड़ना पड़ा था। और उसके अलावा मेरे बैटरी की भी पड़ी थी, लगी बहुत ज़्यादा लगी पड़ी थी, तो फ़ोन ही ख़राब हो गया मेरा वो। तो अभी मैं एंड्रॉयड पे ही खेल रहा हूँ, तो इतना बड़ा प्रो नहीं हूँ मैं। मेरी अप्रॉक्स सीज़न KD देखोगे आप, ज़्यादा से ज़्यादा एज डोमिनेटर जाता हूँ मैं, वो भी एक्चुअली मैं जाता नहीं हूँ, इंटेंशनली नहीं जाता हूँ, पहुँच जाता हूँ खेलते खेलते। रोज़ 2-3 मैच ही खेलता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरी KD भी ज़्यादा से ज़्यादा 3.5-4 के अंदर ही रहती है, 4 से ऊपर नहीं रहती है। तो मॉडरेट प्लेयर हूँ, तो मॉडरेट प्लेयर से आप जो जो सजेशन ले सकते हो वो आपको पता है, तो उस हिसाब से अगर आपको कुछ भी उससे रिलेटेड, उतने उतने ही एक्सपीरियंस वाले से रिलेटेड आपको कोई भी वीडियो चाहिए, आप कमेंट में डाल दो, मैं आपको बना के अपलोड कर दूंगा। और वीडियो अपलोड मैं जनरली वीकेंड्स में करता हूँ, क्योंकि Monday to Friday मेरी जॉब रहती है, Saturday Sunday छुट्टी रहती है, तो Saturday Sundays में आपको वीडियो मिल जाएगी। अगर सैटरडे नहीं हो पाया तो संडे मिल जाएगी, क्योंकि चांसेस है कि मैं सैटरडे शूट कर रहा हूँ वीडियो, मतलब रिकॉर्ड कर रहा हूँ फ़ोन में, और संडे अपलोड करूँगा। तो अब इन 2 डेट्स तक आप वेट करो, कभी कभी मैं वीकडेज में भी डाल देता हूँ अगर मेरे को काम नहीं रहता है जॉब पे, तो मैक्सिमम को सैटरडे संडे आपको वीडियोस दे दूंगा। फिलहाल ये जो पबजी की मैंने ट्रिक बताई, अगर आपको पसंद आई तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करो, और चैनल पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब बेल बटन सब कुछ जो भी दिखे आप सब दबा दो, सब दबा दो। और जो रॉयल पास नहीं ले पा रहे आपके, तो सबकी हेल्प कर दो, सबको लिंक भेज दो, किसी ना किसी का तो भला होगा। अगर आपके पास ऑलरेडी रॉयल पास हो तो ये मत सोचो कि मेरे पास तो है, मैं क्या करूँगा वीडियो का, अपने दोस्तों को दे दो जिनके पास रॉयल पास नहीं है। अगर आपके सारे दोस्तों के पास है तो कोई बात नहीं, आप इग्नोर मार सकते हो, पर जिनके पास नहीं है उनको हेल्प कर दो। क्योंकि मैं जानता हूँ कि Season 2 में जब मेरे पास रॉयल पास नहीं था, तब मैं भी चाहता था कि मेरे पास रॉयल पास होता, काश। उसके बाद तब मैं मीम पेजेस चलाता था तो मेरी इनकम थी, तो मैं सोचा रॉयल पास ले लेता हूँ, तो तब जाके मैंने पहली बार रॉयल पास लिया था Season 5 में। बट जो लोग नहीं ले पाते हैं, जो स्कूल कॉलेजेस में होते हैं, उनके पास पैसे कहाँ से आएंगे, तो उनको ये टिप भेज सकते हो ताकि वो अपने फ्रेंड के थ्रू एटलीस्ट परचेज कर सके, या अपने भाई के थ्रू, क्योंकि रिफंड तो उनको वापस मिल ही जाएगा। तो उनकी उनकी जो छोटी छोटी खुशियाँ वो इस वीडियो से पूरी हो सकती है, गेम से रिलेटेड जो छोटी खुशियाँ। रॉयल पास लेना खुशी की बात है बहुत से लोगों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो आप उनकी हेल्प करो, आपका भी भला हो उनका भी भला हो, भगवान सबको खुश रखे। चलो वीडियो में इतना ही, अगले टिप्स एंड ट्रिक्स और कुछ वीडियो मतलब कुछ टिप्स मिले मुझे तो मैं आपको ज़रूर न्यू वीडियो से अपडेट करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।